कितने नादान हैं, ये शहर के सारे जुगनू मिलकर कहते हैं सूरज को उगने नहीं देंगे। ये किसी की कहावत जरूर है, मगर हकीकत इन दिनों दिल्ली के सियासी बाजार में शीशे की तरह साफ नजर आ रही है। अब जरा यही तस्वीर देख लीजिए, कुर्सी टिकाने की हसरतें सभी के भीतर गले तक लबालब भरी हुई है, लेकिन दिखाना कोई नहीं चाहता। एक महामानव डोरा द एक्सप्लोरर देख कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी पिकनिक को भारत जोड़ो यात्रा बताकर पीएम पद का टिकट मांग रहे हैं। अब बताइए भला, बिना अपने गांधी सरनेम का इस्तेमाल करे जो बंदा क्लास मॉनिटर का चुनाव तक न जीत पाए, ऐसे आदमी को पीएम बनना है? अरे बाबा, वो कहते हैं ना, चाहा क्या क्या मिला। अब आते हैं त्रिकालदर्शी के पास। हसरतें इनकी पटना शहर के सड़क जाम जैसी है, जो 2014 से लाल किले की प्राचीर पर अटकी है। एक तो सुशासन यात्रा ई भी चलाए थे, फिर क्या था, जो पब्लिक ने बैनर फाड़े, काले झंडे लहराए, सड़क किनारे खड़े होकर बनावटी सुशासन की लंका लगाए, उसे देख मन ही मन खुश होकर यही सोचते होंगे, इसलिए तो बबुआ हम चुनाव नहीं लड़ते, बैकडोर से सदन भी जाते हैं और सरकार भी बनाते हैं। बाकी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे बैनरों के अक्षरों में क्या रखा है? ऑल इंडिया खुला चैलेंज तो बाबा हकीम भी अपने लिखे हुए का देते हैं, ना वो सफल हुए और ना हमारे इन जनाब की हसरतें। मतलब एकदम साफ है, अगर जीत विपक्ष की हुई तो प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी नहीं बेंच मंगवानी पड़ेगी। मौसम देखकर प्रधानमंत्री बदला करेंगे, अब इन्हें कौन बताए कि जनाब शेयरिंग में बस ओला उबर चलती है, देश नहीं। इसीलिए कान लगाकर सब जनता की एक सलाह सुनो, 2024 मोदी जी वंस मोर।